अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुगलपुरा उर्दू घर में कल 17 सितंबर को मुमताज एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसका मकसद और मतलब यही था कि जिस तरह से पुलिस एक्शन हुआ था और जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, उसकी याद में यह प्रोग्राम बनाया गया। क्या खोया और क्या पाया, इसमें कई उलेमाए दीन और सामाजिक कारकुन इसमें शिरकत किए, प्रोफेसर इसमें शिरकत किए, और इसमें मसूद अहमद के अलावा जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी और मुजाहिदीन उर्दू ये भी शिरकत किए, और इन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और आने वाली नस्लों को ये बताएं कि 17 सितंबर को हुआ क्या था। इस तालुक से ये सारी बातों का खुलासा किया गया। तकी रहमान की ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद इस्माइल उर्फ अंसारी अल मारूफ उर्दू अंसारी मुमताज एजुकेशन सोसाइटी फलकनुमा की जानिब से मोहम्मद वक़ार साहब की इनकलाबी जनाब जो है और आपकी हरकियाती क़यादत के परचम तले आज सुकूत हैदराबाद के उनवान से कि हमने क्या पाया और क्या खोया का जलसा उर्दू घर मुगलपुर में मुनक़िद हुआ, जो है आज के अखबार में ये जनाब जो नौजवानों के जहनों को मुतासर करने के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी का इजलास हुआ, एक जलसा हुआ कल, तो उसमें वज़ीर दाखला हिंदुस्तान ने कहा कि 1,500 दलितों को फांसी देकर जनाब जो मार दिया गया, नई नस्ल को मुतासर करने की बातें हैं, जबकि हुजूर निज़ाम की जो सल्तनत जो हुकूमत जो एडमिनिस्ट्रेशन जो नफ्ज़ो नफ्ज़ उनका जो अंदाज था वो इंतहाई सेकुलर था और हिंदू मुस्लिम बहुत ही खुशगवार फिजा के अंदर रहते थे और दिल से दिल मिलाकर रहते थे। उनके जज्बात, उनकी तमन्नाएं, उनकी आरज़ुएं, उनकी कायद की तालीम मुस्तकम थी, वो अपने अपने घरदार के मालिक थे, लेकिन आज फिरका परस्ती का जहन रखने वाले, फिरका परस्ती के ऐनक लगाकर अखिलियतों को देखने वाले आज हमारी मईशत के दुश्मन हैं, आज जनाब जो हमारे कारोबार के दुश्मन हैं, हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। तो इस मौके पे मुमताज एजुकेशन सोसाइटी के परचम तले हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमको भी आपस में एक इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, ऐसा अटूट इत्तेहाद कि जो शीश फैलाई दीवार से भी ज़्यादा मजबूत हो। यकीन मानिए आज हमारी को अखिलियतों में बिलखुसूस इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी मुस्तकबिल में IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IFS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में टॉप करेंगे। ये तभी हो सकता है कि जब हमारे जो इनके बच्चों के माँ बाप कमर बस्ता हो जाएं और इसके साथ साथ उर्दू जैसी मज़लूम ज़बान, सेकुलर ज़बान, तमाम लोगों की ज़बान है, हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम की ज़बान है जो दिलों पे हुक्मरानी करती है और उर्दू दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। किसी ने कहा है कि हुआ ये इंसान पैदा दो जहां के लिए, बदन जमी के लिए और रूह आसमां के लिए, मैं वफा शार गुल परस्त हूँ साकी लहू निचोलो तामीर गुलिस्तान के लिए। हमारे नौनिहालों को भी तमाम इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मराठी जबान के साथ साथ कि लाशों के कहकहों से साहिल लड़ रहा था, वहशत के कंजरों से चोले निकल रहे थे, आवारा बादल में मुठभेड़ हो रही थी, सोहवे सितारे करवट बदल रहे थे, इज्जत माप फजीलत माप आली जनाब जो मुफ्ती मोहम्मद फसीउद्दीन साहब जो आज हज़ारों इंसानों के दिलों की धड़कन है, और इतने मुफ्ती का बोलना अल्लाह का बोलना होता है। हम जिस कदर हमारे जनाब जो ऐसे मज़हबी कायदीन, ऐसे मज़हबी रहनुमाओं का हम जनाब जो एहतराम करेंगे, तो इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी खुश होंगे, अल्लाह ताला की मखलूक भी खुश होंगी। आज जो है हमको समझना चाहिए और दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी हमको हासिल करना चाहिए। हम बहुत ही अदब से, प्यार से, एहतराम से, खुलूस से, दिल की गहराइयों से मुफ्ती साहब से अदबन ख्वाहिश करेंगे कि आप भी जनाब जो कुछ जब इस मौके के ऊपर करें। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो,
चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। तहजीब व तमद्दुन के गहवारे हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद, एक तहजीबी अलामत उर्दू घर में आज मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा आली जनाब मोहतरम साहिबजादा मीर वक़ारुद्दीन अली ख़ान साहब की क़ियादत और सदारत में एक बहुत ही मानवी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें इस बात का मुहासबा किया गया कि हमने पहले क्या खोया था और क्या पाया है। सुकूत हैदराबाद यानी पुलिस एक्शन के हवाले से मुकर्ररीन ने बड़ी ही कार आमद बातें यहाँ पर तरक्की और तरफ़ों की बताई, उन पर अमल करना ये आवाम की, ख़वातीन की, बच्चों की, नौजवानों की ज़िम्मेदारी है, बिलख़ुसूस उन असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है जो मीरास पयंबरी अपने सीनों से निकाल कर अपने तालिबे इल्मों को सीनों में उंडेलते हैं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हदीय तशक्कुर पेश करता हूँ कि वो हर साल एक फ़िक्री अजान देते हैं सुकूत हैदराबाद के उनवान से। अल्लाह ताला उनकी इस अजान में और ज़ोर और ताकत अता फरमाए और हमें उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज यहाँ उर्दू घर में मुमताज़ एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आली जनाब विकार साहब ने इस जलसे को जहाँ यहाँ मुनक़िद किया, हम बहुत मशकूर हैं और उनका बहुत ये करते हैं कि जो आज ये आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए कि सल्तनत का इंतज़ाम हैदराबाद का क्या है। आज हमारे मुसलमान हमारे भाइयों को इस चीज़ की मालूमत नहीं है, आज 17 सितंबर को क्या हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ों को जानने के लिए आज जो हमारे विकार भाई ने यहाँ पर जो रखा है उसमें कई मुकर्ररीन जो खुले अल्फाज में कहा है वो चीज़ हमको आने वाले नस्लों को बताने के लिए ये जो रखा गया है। तो बहरहाल बताना ये है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, उर्दू जो सरकारी ज़बान होते हुए रह गई, जहाँ पे जब उसी खत में जो पुलिस एक्शन के वक्त में जो उनको जो से ये बात कही गई कि आपको मुलाजमत से हाथ धोना पड़ेगा, अगर तेलुगु सीख लीजिए, 3 दिन का वक्त देते हैं, 3 दिन की मोहलत देते हैं तो तेलुगु को सीख लीजिए, वरना जो उसको सब हाथ धोना पड़ा, जो जायदादें थे वो जिनके सब छीन ली गई, ये सब बहुत बरेत का मुजाहरा किया गया। लेकिन जो है ना कुछ लोगों ने जो है सो इस चीज़ को जो है सो आगे बढ़ाया और जो है हमारे सल्तनत आसफिया ने जो हमारे हुजूर निज़ाम जो हिंदू मुस्लिम को मुस्लिम हिंदू नहीं कहते थे, हिंदू मुस्लिम कहते थे क्योंकि कसर से अक्सरियत हिंदुओं की थी, तो हिंदू मुस्लिम जो है सो इत्तेहाद के लिए मेरी दो आँखें हैं कहते थे हिंदू मुस्लिम, उस तरीके से उन्होंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका सल्तनत जो चलाया है। लेकिन आज जो इस चीज़ को हमारे नई नस्लों को वाकिफ कराने के लिए मुनक़द किया गया, इसका जो ये हुआ है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू पाइंदाबाद। हर साल की तरह इस साल भी मुमताज़ एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से सुकूत हैदराबाद के उनवान पर जो उर्दू घर में रखा जाता है और मुख्तलिफ जो है मुकामात पर रखा जाता है, फातिमा नगर फारूख नगर में वहाँ के नौजवान भी जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आज की जो तारीख सुकूत हैदराबाद जो मनाया जा रहा है, इसके आने वाली नस्ल को बतलाने के लिए, आने वाली नस्ल को ये बातों से वाकिफ कराने के लिए ये हर साल जो है सुकूत हैदराबाद का जो है जलसा मुकर्रर करता है। मैं इन तमाम जो है हैदराबाद के जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन तमाम का निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जहाँ ये जब बातें यहाँ पर जितने आप लोग सुने हैं, इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। वो आखिर दावाना अनिलहमदुल्ला रबी आलमी। मैं हमारे अब्दुलरब अंसारी साहब से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। आज जो नशिश जो जलसे का अहतमाम किया गया है, मोहम्मद बजार साहब आयु और मुबारकबाद है जिन्होंने फलंदमा की जो एक गलियों के अंदर व जो महलों में वाकई तकरीबन हर घर के अंदर उर्दू के तरह रोशन किया है और उनकी जद्दोजहद मुसलसल जारी है, बाकी तमाम आवाम इस बात से वाकिफ है और जानती है, न तख्त को ताज मानते हम न इख्तदार मानते हैं, उर्दू की तरक्की नजर की रोशनी और दिल का फरार मानते हैं। आज के हालात से हम गुजर रहे हैं, आप जानते हैं कि
हमने मस्जिद के सही तौरा उलट कर आपके सामने रखी है कि वो मुसलमान जबकि सरजमीन के मालिक थे या के हुक्मरान थे या के बादशाह थे बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने सबूत किया करती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि अल्लाह भी उन लोगों को पसंद करता है जो अपने किरदार को महफूज रखते हैं, अपने अखलाक को महफूज रखते हैं, अपनी जनाब के मामला नहीं महफूज रखते हैं और सरातल मुस्तकीम की राह पर चलते हैं जो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। लेकिन वो लोग जिनके सर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद रहे तो अल्लाह ने उनमें नवाजिशों की बारिश कर दी, और जिन लोगों ने गुरूर तकब्बुर अंधेरे का मुजाहरा किया तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ दुनिया ने वो भी देखा है कि हुजूर इमाम यकीन एक बहुत ही रहमदिल बड़े ही अच्छे किरदार के मालिक जाकियात इंसान की कुछ भी हो लेकिन सरजमीन प्रकृति से उनका ताल्लुक था या कि हुकूमत जो उनकी थी उसका जो निजाम था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका जो एक सांचा ढांचा था वायदा था कि जिसमें हिंदू मुसलमान सभी रहते थे। हुजूर निजाम की हुकूमत में जब मस्जिदों को वक्त दी गई वहां पे मंदिरों को भी जाना भी जरूर किया गया, कोई टंडल थी या फिल्मा प्रस्ती के जी बातें थी, वरना अगर वो चाहते तो अल्लाह ने सारी दुनिया का एक बदकोबी जंसु बनाया था और वो इतने बड़े धर्म का बादशाह था कि हुकुम यह था कि जरा ये किंग कोटी से कि गुजर नहीं सकता था, वो ऐसी चंचा ऐसी बादशाह ऐसा अख्तलाक ऐसी संतन रखी मौजूद थी। कोई शख्स जरा ये किरदार का मुजाहरा करता है, इंसानियत का मुजाहरा करता है, अखलाक का मुजाहरा करता है, सच्चाई का मुजाहरा करता है, वफादारी का मुजाहरा करता है, ईमानदारी का मुजाहरा करता है, उनका और ये था कि सजदा गुजारों के लिए वहां की